फ्रेंड, आज की वीडियो में लाए हैं एक ऐसे प्लांट को जो कि आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये फूल, ये फ्लावर जो है शानदार प्लांट है। ये पौधा कमाल के फूल का है, जैसे कि आप फूल देख पा रहे हो कितना बड़ा फूल है और ये अच्छा भी लग रहा है। ये जिस तरह के एक हम लोग देखते हैं लोकल में अरुल फूल, तो उस तरह का ही है, लेकिन इसमें जो है 5 पत्ती होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 देख पा रहे हो, ये 5 पत्तियाँ हैं और ये काफ़ी बड़ा फूल फूलता है। और ये जो आप देख रहे हो दो प्लांट मेरे पास, ये दोनों प्लांट जो है एक्चुअली में ये कटिंग है। जी हाँ, हमने ये कटिंग के द्वारा ये प्लांट लगाया है। मेरे पास इसका बड़ा प्लांट पहले से मिट्टी ज़मीन पर लगा हुआ है, तो मैंने इसका कट करके इसके डाल को मैंने गमले में लगाया था, तो दो गमले में यहाँ देख पा रहे हो गया। इसमें फला नहीं है, इसमें फलता है फिलहाल, आज के डेट में भी ये नहीं फला है, उसमें फलने वाला है वो वाला प्लांट देखो वहाँ पर, लेकिन इसमें दो फला है, एक यहाँ एक उस साइड देख पा रहे हो। तो ये हर दिन एक दो करके ये फूल होता है और ये मोस्टली जो है ये 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास ये खिल जाता है और शाम के 4 बजते ये जो है ना, इसका ये जो फूल है वो थोड़ा सा बंद होने लगता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ये खिलता है, और जब खिलता है तो पूरा रेड आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो ये प्लांट जो है मेनली कटिंग के द्वारा मैंने जब इसे परचेस करके लाया था, जब मिट्टी में लगाया था तो बहुत बड़ा हो चुका है ज़मीन पर, गमले में उस तेज़ी से ग्रोथ नहीं होता जितना कि मिट्टी में होता है। मैंने इसलिए पहले क्या किया था, पहले ज़मीन पे लगा दिया था, बाद में मैंने इससे गमले में इसका जो डाल है उसको तोड़ के मैंने इसमें लगाया था। तो इसका मैं इम्पोर्टेंट सब चीज़ बताऊंगा कि खासियत क्या, इसका कैसे मेंटेन करना है, कैसे इसका क्या क्या चीज़ करना है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए फटाफट जो है इसका एक एक चीज़ जानते हैं। सबसे पहले नंबर, सालों भर इसमें फूल आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी में, आप मैं जब से लगाया हूँ ठंड के टाइम में भी देख चुका हूँ उसमें फूल अच्छे आए थे, गर्मी में भी आए हैं, मतलब सालों भर इसमें फूल फड़ता रहता है जो नीचे में मिट्टी में मेरे पास ये प्लांट है। तो एक तो ये है कि हर सीजन में आपको फूल ये इसमें देगा। दूसरा चीज़ ये कि इसमें इस प्लांट में पानी बहुत चाहिए होता है, क्योंकि ये पानी अगर थोड़ा सा कम दोगे तो इसका पत्ते जो है, पहले पत्ता देख लो कि किस तरह का पत्ता होता है, तो पत्ता जो ये इस तरह से मुरझा जाएगा, मतलब पानी दोगे तो पानी ये पूरा खिला खिला सा लगेगा आपको देखने में। और अगला चीज़ कि इसके बॉडी से, इसके स्किन से जो है ना, आपको पानी का अंश दिखेगा कि बाहर निकलता हुआ, जैसे कि इसके डाल पे सबसे ज़्यादा ये जो देख रहे हो इसके आपको बूंद बूंद सा, हालांकि वो पानी नहीं है, वो एक तरह का केमिकल, ये है जेली के तरह है, मैंने इसे जो टच किया था ना, हालाँकि आपको टच करना इसमें सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत रेसा सा नुकीला कांटा नहीं, एकदम बहुत पतला जैसा, हालांकि उतना खास चुभता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चुभता है हल्का फल्का, अगर सॉफ्ट स्किन पे अगर पड़ेगा तो आपको इस साइड, तो फिर हल्का चुभेगा। तो ये प्लांट का ये एक चीज़ जान लो। अगला चीज़ कि इस प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टूट जाता है, मतलब अगर आप इसे थोड़ा सा और बड़ा होने पे इसे संभालने का ज़रूरत पड़ता है इसमें, ताकि एक डंडी डाल के और इसमें इसका होल्ड करके रखे इस तरह से, नहीं तो ये क्या होता है, ये टूट सकता है ऐसे नीचे से, ज़्यादा बड़ा होगा साइड से टूट जाता है। और अगला चीज़ इसका खासियत क्या है, ये इसका हम कटिंग के जरिए, मतलब इसका डाल के जरिए हम नया प्लांट सब लगा सकते हैं बहुत सारा। तो आप इससे क्या कर सकते हो, ढेर सारा प्लांट लगा सकते हो अलग अलग गमलों में, और सब में अगर फूल फलने लगे एक जैसा सब रहे, जिस तरह से आप देख पा रहे हो दो हमारे पास सब एक हाइट का, और जब दोनों में फूल फलने लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा, एक लाइन से इस तरह बड़ा बड़ा फूल यहाँ देख पा रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा फूल है ये। और इसका अगला चीज़ कि इसमें जो मिट्टी है, मिट्टी ज़्यादा चेंज करने का झमेला नहीं है, जैसे कि बाकी प्लांट में क्या है कि बार बार हमें मिट्टी चेंज करना पड़ता है, इस गमले में जो है हर 2 महीने पे 1 महीने पे उसका मिट्टी चेंज करके हमें जो कंपोस्ट वाला मिट्टी देना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मिट्टी चेंज ना भी करें ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस प्लांट में अभी तक मैंने मिट्टी चेंज नहीं किया है और इसका ग्रोथ भी सही है, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि इसका ग्रोथ भी सही है। बस क्या करना है हमें, जो इसमें मैंने स्टार्टिंग मिट्टी कम दिया था ताकि मैं बाद में से इसमें मिट्टी और फिल कर सकूँ, तो मैं अभी इसमें और फिल करूँगा, इसमें जो कंपोस्ट मैंने रखा है, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं कंपोस्ट मैंने रखा है, तो इसमें मैं फिल करूँगा ताकि जो है इसका जड़ और ऊपर तक आए और इसे ज़्यादा स्पेस मिले फैलने के लिए। तो हमें इसमें ज़्यादा मिट्टी चेंज करने का ये नहीं है कि इस प्लांट में, बहुत सही प्लांट है मुझे तो ये, इसका फूल भी बहुत अच्छा है और इसका पौधे भी बहुत सही होते हैं, पत्तियाँ भी वगैरह सही होती है, तो ज़्यादा केयरिंग प्लांट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है इस प्लांट का, वैसा नहीं है।
आप एक बार लगा दो और ये इजीली से इसका जो है ना, अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, उसका डाल लगाना चाहते हो, तो बहुत इजीली लग जाता है। बस आपको कटिंग लगाने समय ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ भी आप कटिंग लगाओ वो जगह थोड़ा मॉइस्चर मतलब नमी वाला जगह हो, ज़्यादा नमी चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए इसको। ऐसे अगर थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो नहीं लगेगा ये, तो अगर ज़्यादा पानी जहाँ पर रहे, बहुत ज़्यादा पानी रहे तो वहाँ पर आप लगाओ तो जल्दी लग जाता है। आपको 2 से 3 दिन में दिख जाएगा इसका असर कि ये लगने लगा है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कटिंग भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसे कटिंग लगा सकते हैं, मैं आप पूरा इसका प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। आज के वीडियो में तो हम इसका कटिंग नहीं दिखा पा रहे हैं, मैं इसका बस केयरिंग और इसके बारे में कुछ खामियां और खूबियाँ मैं बता रहा था आज की वीडियो में। खामियां बस मुझे एक ही दिखा कि एक तो इसका जो है ये कांटेदार थोड़ा हल्का हल्का होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, थोड़ा इसको छूने में थोड़ा सा हल्का सा फील होता है। एक दूसरा चीज़ ये